आज का हमारा नया टॉपिक है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, जिसका भी मैं लेक्चर जो है प्रीवियसली जो है अपलोड कर चुकी हूँ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग एटलीस्ट 2 पॉइंट जरूर शामिल होती है, उसको कहते हैं। अब उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स की हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ओरिएंटेशन मींस डायरेक्शन को अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, तो वो हाइड्रोजन की पोजीशन के साथ रिप्लेस हो जाता है। मतलब कि अगर ये अगर बेंजीन रिंग है सिक्स साइडेड और अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं, तो यहाँ पर कार्बन है, जाहिर है सिक्स कार्बन है और साथ ही यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। और जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, वो जब भी किसी भी कार्बन पे अटैक करेगा तो वो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा और इसी को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब दो बातें अब हमने देखनी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन रिंग पर हो रहे हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम से भी शो किया, अगर कोई एक इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगी। मींस के अगर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, मैं अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड को सर्कल से भी शो कर सकते हैं, तो हम मैंने किया, तो अगर एक इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाएगा। यूं एक्स उसके ऊपर लग गया एज इलेक्ट्रोफाइल और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है उसे हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहेंगे। मैं इसको बताती हूँ कि ये नाम क्यों दिया गया। मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी सिर्फ एक ही हमारे पास जो है बेंजीन आई है जिसके ऊपर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूट अटैच है। हमारे पास प्रोडक्ट में सिर्फ एक बेंजीन आई है जिसके ऊपर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूट अटैच है, तो ये इस चीज़ को शो करता है। अब हम दूसरा इसका देखते हैं कि अगर एक ही बजाय दो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर लग जाए, मतलब कि जो पहले से मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जिसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल एक अटैच है, अगर उसके ऊपर मजीद एक और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाए तब क्या होगा। तब हमारे पास रिजल्ट में जो प्रोडक्ट आएगा वो कितने होंगे उनको भी देख लेते हैं। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जिसपे पहले से एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच है। अब अगर उसके ऊपर एक और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, अब एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो हमारे पास जो बेंजीन आएगी वो यूं होगी, एक ऑर्थो पोजीशन पे भी हमारे पास सेकंड लग सकता है, हमारे पास एक मेटा पोजीशन पे भी लग सकता है और एक हमारे पास पैरा पोजीशन पर भी लग सकता है। जो एडजेसेंट कार्बन के साथ लगते हैं दोनों इलेक्ट्रोफाइल, तो उस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है। जब अल्टरनेटली लगते हैं, मतलब एक कार्बन को छोड़कर अगर हम सब वो इलेक्ट्रोफाइल लगाएं तो उस पोजीशन को मेटा कहते हैं, और अगर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगा हो तो उसको हम पैरा कहते हैं। यानी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल एक बेंजीन रिंग पर अटैक करे तो हमारे साथ जो हमारे प्रोडक्ट आता है उसमें हमें तीन डाई सब्स्टिट्यूटेड जो हैं प्रोडक्ट मिलते हैं। डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यानी जिसमें दो सब्स्टिट्यूट अटैच हों, तो इस चीज़ को ये जाहिर करता है। ये थी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम उन चेन्स बेसिस पर होने वाले प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इन्हीं ओरिएंटेशन के मुतालिक हैं। चेन्स बेसिस के ऊपर अब हमने इनकी ओरिएंटेशन की परसेंटेज को देखना है। मींस कि जो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आता है उसमें 40% ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो है वो सब्स्टिट्यूट यानी इलेक्ट्रोफाइल जो आता है अटैक करता है वो अटैच होता है, और 40% ही हमारे पास मेटा पोजीशन पर लगता है
और 20% पैरा पोजिशन पर, मतलब कि 40% ऑर्थो, 40% ही मेटा और 20% पैरा हमें डायस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है हमें हमने एक्सपेक्ट किए हैं, ऑन चांस बेसिस ये बात हो रही है। लेकिन जो एक्चुअल डायस सब्स्टिट्यूशन है बेंजीन की, जिसमें दो इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करते हैं बेंजीन रिंग पर, वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड हमारे पास परसेंटेज है जिसको हमने यहाँ पर लिखा है, और ये बोर्ड एग्जाम में MCQs भी आ जाती होती है, तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि असल में जो एक्चुअल डाई सब्स्टिट्यूशन है बेंजीन की वो क्या है। मींस कि अगर हम नाइट्रो बेंजीन लें, ये अब एग्जांपल है मेटा और ऑर्थो और पैरा की, कि असल जो डाई सब्स्टिट्यूशन है बेंजीन की वो किस चीज़ को फॉलो करती है, वो किस चीज़ प्रिंसिपल पर अपने रिएक्शन को प्रोसीड करती है। तो ये है एक नाइट्रो बेंजीन, साथ क्लोरीन है, मीन्स कि अब इसकी हाइड्रोजिनेशन करवानी है, सॉरी हेलोजिनेशन, क्योंकि ये हेलोजिन फैमिली से ताल्लुक रखने वाला मेंबर है। कैटलिस्ट भी ऐड कर दिया हमने, हमें अब जो प्रोडक्ट मिला है उसमें NO2 तो अपनी पोजीशन पे ही है, पोजीशन 1 पर, जो क्लोरीन है वो मेटा पोजीशन पर जाकर अटैच होता है, और हमें HCl भी बाय प्रोडक्ट मिल जाता है, क्योंकि इसमें से एक हमारे पास Cl यहाँ चला गया, यहाँ पर जहाँ वो अटैच हुआ है वहाँ से H रिप्लेस हो गया, जो मैंने फर्स्ट डायग्राम में बताया कि जो भी अटैच होगा इलेक्ट्रोफाइल वो हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेस होगा एज अ सब्स्टिट्यूट, इसीलिए इसे हम कहते हैं। तो वो जो H यहाँ से निकला और ये जो HCl2 में से एक Cl बच गया, वो एज अ बाय प्रोडक्ट हमें HCl मिल गया। तो यहाँ पर हम इसको अब नेम दे देते हैं 1, 2, 3। तो हमारे पास ये क्या आ गया, मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, हमने इसको नाम दे दिया। और ये नोमेनक्लेचर के जरिए नाम है, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में दिया हुआ है कि हमने किस तरह नेमिंग करनी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। ये हमारे पास एग्जांपल वो हमने दे दी कि किस तरह जो है मेटा पोजीशन पर लगने वाली जो एक्चुअल डाई सब्स्टिट्यूशन है बेंजीन की वो किस तरह है। अब हम देख लेते हैं ऑर्थो और पैरा की। दरअसल ऑर्थो और पैरा इकट्ठे ही एक ही रिएक्शन में जो है वो हमें प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हम क्लोरोबेंजीन को लें, क्लोरोबेंजीन ली, अब हमने दो बेंजीन क्लोरो की क्लोरोबेंजीन दो लेनी है, क्योंकि हमारे पास ऑर्थो और पैरा इस दोनों इस रिएक्शन में प्रोडक्ट आएंगे, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेंगे, इसीलिए हमने दो बेंजीन ली क्योंकि अलग अलग पोजीशन लगनी है। हमने कैटलिस्ट ऐड किया, अब जाहिर है कैटलिस्ट भी हमने टू हमने बैलेंस करने के लिए लिख दिया, HNO3+H2SO4, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया एज अ कैटलिस्ट। जो हमारे पास प्रोडक्ट आया क्लोरोबेंजीन का, तो उसमें NO2 एक ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हुआ, जिसको हमने कह दिया ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। और मैं दूसरा यहाँ लिख देती हूँ कि हमारे पास जो दूसरा आया है वो पैरा पोजीशन पर अटैच होगा, तो इसको हम कहेंगे पी से हमने पैरा को शो किया है, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। और हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास 2H2O आएगा। ये कैसे कि अब हमने HNO3 को यूज़ किया सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऐसा हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है। ये असल में यूं है, NO2 जो है वो हमने अब ये दो हैं, तो दो NO2 तो हमने इस पोजीशन पे लगा लिए, एक ऑर्थो के तौर पे हमें मिल गया और एक पैरा के फॉर्म में, और हमारे पास जो OH दो बच रहे हैं, साथ ही हमारे पास यहाँ से भी एक H निकल रहा है क्योंकि NO2 लग रहा है, और यहाँ से एक H निकल रहा है क्योंकि NO2 उसकी जगह लग रहा है। दोबारा से वही बात कि ओरिएंटेशन मतलब रिप्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि इसी को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, रिप्लेसमेंट होना हाइड्रोजन का किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से। तो दो हाइड्रोजन और दो OH हमारे पास मिलकर दो H2O बना लेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास वो वाटर निकला है। तो ये थे एक्चुअल डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। तो
हमने कोई स्पेसिफिक कोई टिपिकल सा कैटलिस्ट इसमें डालना है और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आने हैं। अब हमने ये डाई सब्स्टिट्यूशन एक्चुअल देखी है, पहले हमने चैनल पेजेस पे बताया कि 40% हमें ऑर्थो और मेटा पर जो है वो हमें मिलते हैं डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, और 20% पैरा पे। और एक्चुअल जो है हमारे पास ऐसे है कि अगर हम क्लोरीन यानी कि क्लोरोबेंजीन की जो है अगर हम नाइट्रेशन करवाते हैं, तो हमारे पास जो है ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन आती है और साथ पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन आती है। और साथ ही साथ किस तरह हमारे पास बाय प्रोडक्ट आता है इसको मैंने इसके तौर पर आपको समझा दिया है कि किस तरह आता है, और बैलेंस भी कर दिया बिल्कुल। यहाँ हमने टू लगाने का मकसद था कि दो बेंजीन रिंग बनेगी, एक ऑर्थो पोजीशन पे डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देगा और एक पैरा पोजीशन पे। मेटा का भी मैंने बता दिया आपको कि अगर हम नाइट्रो बेंजीन की क्लोरीनेशन करवाते हैं या मीन्स के हेलोजिनेशन, तो हमारे पास मेटा क्लोरो बेंजीन आ जाती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ओरिएंटेशन बताया कि किस तरह इलेक्ट्रोफाइल जो हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट होता है यानी रिप्लेस होता है, उसकी क्या क्या पोजीशन जो है वो हो सकती हैं, ऑर्थो भी मेटा भी और पैरा भी। तो ये सारी बातें जो हैं ये जहन में रखने वाली हैं, और कुछ एमसीक्यूज के हवाले से भी परसेंटेज को भी आपने माइंड में रखना है। तो अगर आपको मेरे इस लेक्चर के मुताबिक कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।